Amazon Prime की वेब सीरीज द फैमिली मैन के सेकंड सीजन की डबिंग शुरू हो चुकी है। सीरीज में लीड रोल निभा रहे मनोज वाजपेयी ने खुद एक ट्वीट करके अपने फैंस को ये जानकारी दी। ट्वीट में वाजपेयी ने स्टूडियो में डबिंग करते हुए अपनी फोटो भी पोस्ट की है। इस ट्वीट में मनोज ने लिखा है, डबिंग फॉर द फैमिली मैन 2। बॉलीवुड में अपनी अदाकारी का लोहा मनवा चुके मनोज वाजपेयी की वेब सीरीज द फैमिली मैन का पहला सीजन दर्शकों के बीच काफी पॉपुलर रहा था। पिछला सीजन सितंबर 2019 में अमेजन प्राइम पर ही रिलीज किया गया था। नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार के टक्कर में अमेजन प्राइम की तरफ से द फैमिली मैन ने काफी तारीफें बटोरी थी। पहला सीजन पूरा होने के बाद तुरंत ही सीरीज के दूसरे सीजन की शूटिंग शुरू कर दी गई थी और अब जल्द ही इसको रिलीज करने की तैयारी की जा रही है। अभी इसकी डबिंग मुंबई में चल रही है। सीजन 1 में मनोज एक साधारण व्यक्ति की भूमिका में है, जो असल में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की एक स्पेशल सेल के लिए काम करता है। इस शो में उन्हें अपने काम और परिवार के बीच समय का बैलेंस बनाते हुए देखा गया है। मनोज के अपोजिट सीरीज में उनकी पत्नी की भूमिका में कन्नड़ एक्ट्रेस प्रिया मणि है, जो सीरीज में अकेले घर की सारी जिम्मेदारी थामते हुए अपने पति से परेशान है। वहीं मनोज की स्पेशल सेल के साथी हैं शरीफ हाशमी, श्रेया धनवंतरी, सनी गुलपनाक और दिलीप ताहिल, जो देश के लिए जान दांव पर लगा सकते हैं। शो को दर्शकों की ओर से अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी। वहीं मनोज वाजपेयी को हाल ही में मुंबई में एक स्टूडियो के बाहर स्पॉट किया गया था। उस वक्त भी ये बात सामने आई थी कि वो द फैमिली मैन 2 के लिए शूटिंग कर रहे हैं। द फैमिली मैन के पहले सीजन में कुल 10 एपिसोड थे। प्लॉट की प्राइम लोकेशन केरल, दिल्ली, कश्मीर और मुंबई है। द फैमिली मैन 2 के रिलीज डेट का आपको कितना इंतजार है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।